हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको 9B के क्वेश्चन नंबर 14 तक अच्छे से करवा दिया था, और अब हम आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है MCQs क्वेश्चन और हॉट्स क्वेश्चन है। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। 15 की क्या स्टेटमेंट है? ए स्टेनोटाइपिस्ट डिपॉजिट्स ₹10,000 इन ए बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एट 12% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑकर्ड टू हर आफ्टर मैच्योरिटी विल बी। तो आपको बताना है 3 ईयर्स के बाद ये जो इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, ए बी सी एंड डी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सोल्व करना होगा इसे। तो देखिए, प्रिंसिपल किसके इक्वल है? ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, टाइम है 3 ईयर्स। तो अब आप अमाउंट निकालोगे। सबसे पहले अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस R/100 raised to power time। तो प्रिंसिपल इज 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% upon 100 raised to power time, टाइम इज 3 ईयर्स। तो अब ये देखिए, 10,000 इंटू LCM ले लेते हैं 100, तो 100 प्लस 12 raised to power 3, 10,000 इंटू ये क्या हो जाएगा, 100 में 12 ऐड करेंगे तो 112 upon 100, और ऊपर पावर 3 है तो इसकी 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो 20 से ये 40 है, तो 40 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास ऊपर क्या है, 112 की मल्टीप्लाई 112 से 3 टाइम्स हमें करनी है, और फिर 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो 2 2 4 2 2 2 1 1 and 1 1 2, तो ये हो जाएगा 4 4 5 2 1। अब इसके बाद 112 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 8 10 5 2, इसी तरह से 4 4 5 2 1 1 2 5 4 4, यहाँ भी डबल क्रॉस होगा। अब इसके बाद इसको ऐड करेंगे, 8 12 1 8 plus 1 9 14 1 10 1 4 1, तो हमारे पास इन दोनों तीनों की प्रोडक्ट आएगी 1 4 0 4 9 2 8, और अपॉन में 100 है तो 2 के बाद डेसिमल लगा देते हैं, 1 4 0 4 9 point 2 8, ये हमारे पास अमाउंट है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसे, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल 10,000 है, तो हमारे पास आएगा 4049.28 रुपीज़। तो इसके अंदर आप मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या स्टेटमेंट है? द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 180,000 इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए, प्रिंसिपल हमारे पास 180,000 है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या है पॉपुलेशन, 8% पर एनम, एंड टाइम पीरियड इज 2 ईयर्स। तो सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला आप सबको पता है, यदि ये रेट ऑफ डिक्रीजिंग होता तो माइनस लग जाता, अब ये रेट ऑफ इंक्रीजिंग है तो प्लस का साइन है। तो प्रिंसिपल इज 180,000 into 1 plus rate of interest is 8 upon 100 raised to power time is 2 years। तो 180,000 into ये हो जाएगा हमारे पास 100, 8 upon 100 डायरेक्ट ही कर देते हैं हम इसको, तो मल्टीप्लाई विद 100, 8 upon 100, 20 से ये 20 कैंसिल, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर हमारे पास एक तो 100 8 8 की मल्टीप्लाई है, फिर 18 से है, तो इसको देखिए, 8 8 जा 64 8 1 जा 8 0 0 0, फिर 108, अब इसको ऐड कर देते हैं, 4 6 16 1 1, अब 11664 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 18 के साथ, तो 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, प्लस 351 5, 8 6 जा 48, प्लस 53, 8 1 जा 8, प्लस 13 9, इंटू में 4 6 6 1 1, अब इसको देखिए क्या आता है इसका सम,
209952, तो इसमें देखिए 209952 ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब आपको यही बताना था इसके अंदर कि जो इसकी पॉपुलेशन है आफ्टर टू ईयर्स, दो साल के बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, तो पॉपुलेशन अमाउंट ही रिप्रेजेंट करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो पॉपुलेशन होगी आफ्टर टू ईयर्स वो हो जाएगी 2,99,952। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17th जो होट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। उमेश सेटअप ए स्मॉल फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग ₹40,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट थ्री सक्सेसिव ईयर्स, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। हिज प्रॉफिट्स वर 5%, 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। इफ ईच ईयर द प्रॉफिट वाज ऑन प्रीवियस ईयर्स कैपिटल, कैलकुलेट हिज टोटल प्रॉफिट। तो उनका टोटल प्रॉफिट हमें बताना है कि आफ्टर थ्री ईयर्स के बाद उनका टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। प्रिंसिपल हमारे पास क्या रहेगा, 40,000। फर्स्ट ईयर का जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% और टाइम 1 ईयर हो जाएगा। तो इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको करके दिखा देता हूँ फर्स्ट ईयर के जो इंटरेस्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। तो इसके अंदर हमें करना क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ पहले, प्रिंसिपल इज 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और 2,000 रुपीज़। तो ये फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये 2000 जो है हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, मतलब प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट मान के चलो आप। तो अब इस प्रॉफिट को आपने प्रीवियस ईयर के कैपिटल के अंदर ऐड करके नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनाना है। तो जो नेक्स्ट सेकंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो 40,000 नहीं रहेगा, इस 40,000 के अंदर आपको 2000 ऐड करना है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 42,000 इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर देखिए ये क्या है, 10% है, तो 10 लिख देंगे, और इनटू टाइम वही 1 ईयर का ही निकाल रहे हैं, ये एक साल का था, नेक्स्ट ईयर का फिर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो चुका है और टाइम 1 ईयर, और अपॉन में 100, 20 से 20 कट कर देते हैं, तो ये 4,200 रुपीज़ इस सेकंड ईयर का जो प्रॉफिट आया है वो है 4,200। अब हमें क्या करना है थर्ड ईयर का निकालने के लिए, ये जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है उसके अंदर आपका जो ये प्रॉफिट आया है उसको ऐड करना है। तो 42,000 में आप 4,200 ऐड कर दोगे तो ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास। तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है हमारे पास 46,200 इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें है 15% और इनटू टाइम 1 ईयर है और अपॉन में 100, 20 से 20 कट हो जाएंगे। अब इसके बाद आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद देखिए आपके पास ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने, सॉरी 462 की 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 10, 6 5 30+1 31, 4 तो 23 हो जाएगा ये, 1,264,0396, तो ये हो जाएगा 6,930। ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट है। अब थर्ड ईयर का प्रॉफिट यहाँ लिख लो, तो अब ये तीनों ईयर्स का अलग अलग प्रॉफिट आ चुका है, तीनों को ऐड कर दो आप, तो 9+2 11 1 13, तो 13,130 इसके अंदर देख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18th। इसके बाद देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 18th, इम्पॉर्टेंट है। द प्राइस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ ए कंपनी इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 15% इन द फर्स्ट ईयर, सफर्ड ए लॉस ऑफ 10% इन द नेक्स्ट ईयर एंड अगेन इंक्रीज्ड बाय 20% इन द थर्ड ईयर। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 2,000 रुपीज़, वट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। वैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा आपको अटेंटिव होके ये एक बार देखना है। इसके अंदर ये कहा गया है कि एक शेयर है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 2,000 रुपीज़ है और फर्स्ट ईयर में जो पहला साल होगा उस शेयर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज्ड हो जाती है, कितनी, 15%, और सेकंड ईयर में वो लॉस हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाती है उसकी वैल्यू 10%, और थर्ड ईयर में उसकी जो वैल्यू है वो 20% इंक्रीज हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि आफ्टर 3 ईयर्स के बाद उस शेयर की जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, 2,000 रुपीज़ इन फर्स्ट ईयर,
इंक्रीज्ड बाय 15%, सो वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उस शेयर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है, पी इंटू वन इंक्रीज़ करे तो हमें प्लस करना है, डिक्रीज़ करे तो माइनस, इंटू आर अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। तो प्रिंसिपल देखिए कितना है, 2001 प्लस रेट कितना है इसका, रेट ऑफ 15 अपॉन में 100 रेज टू पावर टाइम 1 ईयर है। तो अब ये देखिए इसको हम 115 अपॉन 100 लिख लेते हैं, 20 से 20 कट कर लेंगे, अब इसकी 0, 5 2 10, 2 1 2 प्लस 1 3 2, तो 2300 रुपीज़ ये इस शेयर की वैल्यू हो जाएगी 1 ईयर के बाद। अब हमें लिखना है इन सेकंड ईयर इट डिक्रीज्ड बाय 10%, ये 10% कम हो जाता है, तो सो आफ्टर सेकंड ईयर वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, तो अब देखो प्रिंसिपल अब चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल अब बन जाएगा हमारा 2300 इंटू में 1 माइनस में आर अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम, तो इसमें टाइम हमारा वही 1 ईयर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके अंदर क्या कम हुआ है 10%, तो 10 से ये 100 कट कर देते हैं, 2300 इंटू में 10 LCM आ जाएगा, 10 1 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 अपॉन 10, 0 से 0 कट कर देंगे, अब 9 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 900, 9 3 27, 9 2 18, 18 प्लस 2, तो 2070, ये सेकंड ईयर के बाद इस शेयर की वैल्यू इतनी रह जाएगी 2070 रुपीज़। अब हम लिखते हैं इन थर्ड ईयर इट इंक्रीज्ड बाय, देखिए कितना इंक्रीज हो जाता है 20%, सो आफ्टर 3 ईयर्स वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2070 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 20 है अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम 1, तो 2070 मल्टीप्लाई विद 0 से 0 कट कर देते हैं, यहाँ 5, तो LCM इसका 5 आएगा, 5 1 5 प्लस 1 6 अपॉन 5, अब इससे इसको कट कर देते हैं, यहाँ 4 आ जाएगा, इधर 1 आएगा, फिर यहाँ कट करने के बाद 6 आ जाए, तो 416 की मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं, तो अब ये देखिए क्या आंसर आता है, 6 6 36, 3 6 1 6 प्लस 3 9, 6 4 24, तो इस तरह से 3 ईयर्स के बाद जो इस शेयर की वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी 2496। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, थैंक यू।